नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह पर किया पलटवार। नीतीश से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर बरसी वसुंधरा राजे। जातीय जनगणना को लेकर विजय चौधरी ने दिया ये बयान। टीएमसी नेता ने बीजेपी को लेकर कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुहेली मेहता ने जदयू से इस्तीफा दे बीजेपी का थामा दामन। बीते ही दिनों सुहेली मेहता ने जदयू से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सम्राट चौधरी द्वारा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सुहेली मेहता को सदस्यता ग्रहण करवाई गई, जहां बीजेपी के कई दिग्गज नेता देखने को मिले। उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम को घेरे में लेते हुए कहा कि आजकल नीतीश चाय नाश्ते के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं। बीते ही दिन मुंबई दौरे के बाद शिवसेना और नीतीश की मुलाकात को लेकर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए सवाल खड़े किए कि क्या अब शिवसेना सांप्रदायिक है। नीतीश कुमार जिन जिन घर पर जा रहे हैं वो राजा वाली पार्टी में जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार आकर नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा कि बिहारियों को पिटवाने वाली पार्टी शिवसेना के नेता से मिलने के लिए बिहार के नेता जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों में एक राजा होता है और बाकी सभी गुलाम होते हैं। शिवसेना ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर कही ये बात। अभी हाल में ही महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा था। असल शिवसेना कौन है और सत्ता संभालने का हक किसे है, इस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव देखने को मिल रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि तत्कालीन राज्यपाल ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था वो नियमों के तहत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ करते नहीं थक रहे। दरअसल शिवसेना के मुख पत्र में उन्होंने कहा है कि न्याय मरा नहीं है और सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को उन्होंने अवैध बताया है। आगे सीजेआई की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का ऋण लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था नहीं भूल पाएगी। राजनीतिज्ञों द्वारा की गई बेईमानी पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। वे दबाव के आगे नहीं झुके। सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनीतिक उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन देश के संविधान और न्याय व्यवस्था में अभी भी चंद्रचूड़ है। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह पर किया पलटवार। हाल में ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि जल्द ही भारत भाजपा मुक्त होगी। उनके इस बयान पर अब भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार जल्द ही जदयू मुक्त होगा। आगे उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे चुके नेताओं की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में जदयू छोड़कर अन्य दलों में जाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। आगे उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अजय आलोक समेत कई नेताओं ने जदयू के अंदर मनमानी और तानाशाही का आरोप लगाया है और दल छोड़कर निकल गए। जदयू के हजारों नेता कार्यकर्ता निराश होकर दल छोड़ दिए। ललन बाबू को इसकी चिंता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इन दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश दौरे पर निकले हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वे शनिवार तक अपने गृह राज्य यानी हिमाचल में ही रहने वाले हैं। यहां आने के बाद जनसंवाद के दौरान उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को ठगने वाली सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चर्चा करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार में मंत्री नाम मात्र के लिए बनाए गए हैं। मंत्रियों के स्थान पर मुख्य संसदीय सचिव ही सरकार चला रहे हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए वादों की चर्चा करते उन्होंने कांग्रेस को झूठी सरकार बताया और कहा कि महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस द्वारा भेजे जाने थे, जो अभी तक खाते में आना शुरू नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लेकर चल रही है और दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिव, चेयरमैन और कांग्रेस सरकार में जोड़े गए साथियों पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने तेज प्रताप को लेकर कह दी ये बात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर तेज प्रताप समेत बिहार में कई मंत्री उनका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने तो उनके विरोध में खुद के संगठन भी खड़े कर लिए। तेज प्रताप के इस विरोध को देखकर बीजेपी नेता जीवेश कुमार मिश्र ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप लालू यादव के बेदखल किए हुए संतान है। आगे उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को कितना अहमियत दिया गया यह तो मंत्रालय वितरण के समय पता चल गया। एक बेटे को 5 विभाग और एक बेटे को 1 विभाग मिला। आगे उन्होंने कहा कि एक बाप 2 बेटों में बराबरी नहीं करता है तो जनता क्या बराबरी करेगी। तेज आपको कोई नोटिस नहीं करता है। आगे उन्होंने बाबा बागेश्वर की चर्चा करते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा एक संत है, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। वो बिहार में आ रहे और यहाँ वे धार्मिक बातें करेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है और ये जनता का राज है, इसलिए बाबा आएंगे और अपनी बातें कहेंगे।
कांग्रेस ज्वाइन करने पर एमपी सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से मेघा को किया बेदखल। मध्य प्रदेश में रहने वाली पर्वतारोही मेघा परमार ने अभी हाल में ही राजनीति की दुनिया में कदम रखा है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन उनका यह फैसला अब उन्हें महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य के महिला बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार को उनके इस फैसले के बाद विभाग ने उन्हें इस ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। अब इसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राज्य में मौजूद बीजेपी की राज्य सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि देश का मान बढ़ाने वाली पर्वतारोही और शिवराज सिंह चौहान के ही गृह जिले के लाडली बहन मेघा को सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर के सम्मान से मुक्त किया है। आगे उन्होंने कहा कि उनका गुनाह है कि उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में 9 मई को कांग्रेस ज्वाइन की थी, यह घटिया सोच है। नीतीश से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से की मुलाकात। विपक्षी एकजुटता के मुहिम को लेकर नीतीश कुमार देश का दौरा कर कई विपक्षी नेताओं से मिल रहे। अभी हाल में ही वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने भुवनेश्वर पहुंचे थे, लेकिन नवीन पटनायक के तरफ से विपक्षी एकता को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अब विपक्षी एकता के मुहिम को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल नीतीश से मुलाकात के बाद अब नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद जब उनसे विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, जहां तक मेरा सवाल है तो अभी कोई तीसरा मोर्चा नहीं रहा है। आगे उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की वजह बताते हुए कहा कि वे उड़ीसा के विकास कार्यों के सिलसिले में मुलाकात के लिए आए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर बरसी वसुंधरा राजे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे 20 साल से मेरे खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा बोलते आ रहे हैं, जिसे मैं भूली नहीं हूं। राजनीति में दो किस्म के लोग हैं, एक कर्मवीर और दूसरा बयानवीर। बयानवीर बयान देने वाले माहिर होते हैं और कर्मवीर काम करने में। आगे उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में बयानवीर बहुत है, बीजेपी में नहीं। जदयू नेता ने आरसीपी को बताया विभीषण। बीते दिनों जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू का हाथ छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके इस फैसले पर कई जदयू नेता अपनी निराशा व्यक्त कर उन्हें निशाने पर ले रहे। अब इसी कड़ी में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें राजनीति का विभीषण कहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक राजनीतिक वनवास में रहकर राजनीतिक विभीषण का भाजपा में गृह प्रवेश हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि अब तो यह भाजपा ही बताएगी कि जो जदयू का न हो सका उसका वह किस तरह से इस्तेमाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कही ये बात। दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोड़े को सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले के कुछ घंटे बाद ही पद से हटा दिया। बता दें कि बीते ही दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर दूसरी सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब यहां काम में तेजी आएगी, क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों को बाधित करने वाले अधिकारियों को नतीजे भुगतने होंगे। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी की गई थी कि उसके पास दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण है। गृह मंत्रालय के इस अधिसूचना को केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अदालत का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पप्पू यादव ने कसा तंज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन के विरोध के बीच चाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। दरअसल उन्होंने पूछा है कि वे अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं बना पाते। आगे उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबाओं को पेश कर जेल में बंद कर देना चाहिए। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि उनका भाई हथियार रखता है। आगे उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर देश की गरीबी की चमत्कार से मिटा दिया जाता तो समझते कि चमत्कार है। यदि वे चमत्कार करना चाहते हैं तो पाकिस्तान और चाइना को खत्म कर दे। जन संघर्ष यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने गहलोत और राज्य सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन को देखा जा सकता है। अब सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पायलट के इस जन संघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। अपने इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भयंकर गर्मी में भी लोग जरूरी मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरकर साथ आ रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि नौजवानों के भविष्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सभी प्रासंगिक हैं और यह हम सभी के असर डालते हैं। इसे लेकर हम लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर विजय चौधरी ने दिया ये बयान। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दिया गया है। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को की जानी है। इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा जल्द सुनवाई को लेकर इनकार किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब इस मामले को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरत पड़ी तो खुद से कानून बनवाकर जनगणना करवाएगी।
टीएमसी नेता ने बीजेपी को लेकर कही ये बात। कर्नाटक में बीते ही दिनों विधानसभा चुनाव का समापन हुआ है और चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में जीत का इशारा कांग्रेस के तरफ हो रहा है। अब इसे लेकर टीएमसी के एक नेता मदन मित्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल को अंतिम आकलन के तौर पर तय नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी हार जाती है तो मैं दुनिया का सबसे खुश होने वाला व्यक्ति हूँगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोश्यारी ने दिया अपने बचाव में बयान। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए बुलाना संविधान सम्मत नहीं था। बता दें कि फैसला बीते ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बाद सुना है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर भगत सिंह कोश्यारी का बयान अपने बचाव में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे के इस्तीफे के कारण मुझे मजबूरी में यह निर्णय लेना ही पड़ा। अगर कोई मेरे पास अपना इस्तीफा लेकर आता तो क्या मैं कहूं कि आप इस्तीफा मत दीजिए। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब यह देखना आप लोगों का काम है कि अदालत का निर्णय सही है या गलत, या काम विश्लेषकों का है, मेरा नहीं। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने बचाव हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, सुरुचि कुमारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, संदीप कुमार, अंशुप्रिया साहिरा, रंजीत कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संदीप कुमार, प्रियंका सिंह कुमार, अंकित राज। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन हो सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।